हेलो जी, राम राम जी भैया। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग तो टाइम हो रखा है 2:45 का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 2:45 और ना आई थी, बाल धोए थे तो इसलिए मैं बाल सुखा रही थी, खाना वाना खाया है। बैठने की पोजीशन देखो क्योंकि सिर्फ ये एक ही लाइट जला रखी थी, बाकी लाइट पकड़ की बात है। विनोद जी गए बेबू को लेने के लिए तो नहा धोई थी, बस खाना वाना खा लिया और अभी मेरा काम बचा हुआ है कि क्या काम बचा हुआ है, किचन की सफाई करना, मतलब स्लेप वगैरह जो है वो क्लीन करना, थोड़े बहुत बर्तन है गैस वगैरह सब वो करूँगी और उसके बाद आज मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। धीरे 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 आप लोगों के साथ आज का पूरा दिन शेयर करूँगी, फेस पे देख रहे होंगे थोड़ी सी खुशी है, हाँ मैं खुश हूँ आज। और मम्मी का भी अपडेट दे देती हूँ, भाई मम्मी को अभी आराम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डॉक्टर ने बोला है टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि वो बढ़ा नहीं, जहाँ पे जिस एरिया में हुआ वो वहीं पे आके बस स्टॉप हो गया और पेन है, पेन धीरे धीरे 1 महीने में 1.5 महीने में जाएगा भाई। तो ये था अभी तक का, तो और कि भी स्कूल गया, बाकी सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है और आज भी बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनके स्कूल की यूनिफॉर्म भी वॉश होंगी क्योंकि कल दूसरे पहने हैं, हमको वो ट्रैक सूट वगैरह पहनना है, दूसरे कपड़े पहने मतलब, अब तो आज वो वॉश कर दूँगी क्योंकि गर्मी है, 2 दिन पहनने के बाद भाई अब स्वेटिंग वगैरह पसीने तो आते ही है बच्चों को, ग्राउंड वगैरह में जाते हैं। तो यही था भाई, तो मैं ज़रा अपने बाल बाल बांध लूँ और करती हूँ। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज बहुत सारा काम है, हाँ भाई मुझे काम का बहुत सारा, धीरे धीरे करूँगी तो आप लोगों को बता दूँगी, लेकिन हाँ आज काम है और खुशी की वजह भी भाई बाद में बता दूँगी भाई आपको कि आज चेहरे पर स्माइल क्यों है। ठीक है, तो चलिए काम ख़त्म करते हैं और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है भाई, तो कंटिन्यू की कोशिश करूँगी करने की। नेल्स वगैरह मैंने अपने रिमूव करा दिए थे, काफ़ी टाइम हो गया साफ हो रखे, तो ये देखो काफ़ी टाइम हो गया, हटवा दिए थे मैंने कि एनिवर्सरी पे लगवाए थे, तो फिर उसके बाद 1 मंथ 1.5 महीने के करीब मेरे चल गए, फिर मैंने हटवा दिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, हाथ में दर्द हो जाता है यार। क्या खराब मत करियो, तो भी आप लोगों को देख के अंदाजा हो गया होगा कि और ये कुछ पैकिंग शैकिंग, तो हाँ भाई पैकिंग शैकिंग कर रही थी जाने के लिए कहीं पे, मतलब 2 दिन का ही छोटा सा जो भी है वो हमारा ट्रिप बन रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं, वो आपको आगे आने वाले उसमें पता चल जाएगा कि भाई कहाँ के लिए तैयारी हो रही है। और तो वही सब हम दोनों मम्मी बेटा यहाँ पे कर रहे थे, टाइम हो रखा था शाम का 5-6 बजे, बहुत लेट करने लगे थे हम क्योंकि दिन में तो बच्चे स्कूल गए हुए थे मेरे, उसके बाद ये भी ये सब जो है हमारा वो है काम चला हुआ था। अभी सिर्फ मुक्कू का बैग पैक हुआ है और वो भी भाई मुक्कू ने हेल्प करके खुद से कर लिया था, उसको मैंने बता दिया था तो वो रखती चली गई और मैंने तो घर का काम ही अभी तक जो है वो निपटाया था क्योंकि प्रेस वाले कपड़े थे, धुले हुए कपड़े थे, वो सब सेपरेट वगैरह जो किए हैं वही सब मैं करने में लगी थी। और कर करा के सच बताऊँ तो सिर्फ एक मुक्कू का बैग करने में और मेडिसिन वगैरह पैक करने में ही मैं थक गई थी और थक के जो है भाई वो मैं बैठ चुकी थी भाई बिल्कुल। एक बैग हुआ है अभी पैक मुक्कू के कपड़े बैग हो चुके हैं, पैक में पैक हो चुके हैं और ये इधर भाई सबसे मेन जो हमारी होती हैं वो होती हैं दवाइयाँ, ये सब पैक है ये भी, और ये हमारा एक टॉयलेटरी बैग होता है जिसमें ब्रश साबुन शैम्पू वगैरह जो भी होता है सब कुछ इसमें पैक है। ये मुक्कू के कुछ अलग से एक्स्ट्रा कपड़े हैं, ये बैग अभी भरे जाएंगे, उस पर कुछ विनोद जी की टी शर्ट्स हैं, ये मुक्कू का बैग है जो मुक्कू हैंग करेगी अपना, मेरा तो अभी कुछ निकला ही नहीं है, अभी निकालना शुरू करूँगी तो अभी जा रही हूँ मैं किचन में। पहले सुबह निकलना है हमें, टाइम हो गया 6:30 बजे का, किचन का काम करना है
और पैकिंग करनी है, पूरी पैकिंग करनी है। लगा लो सिर्फ अभी मुकू का बैग पैक हुआ है भाई, दिन सुबह काम करने के बाद इतनी थकान हो गई थी क्योंकि एकदम से प्लान बनाया, फिर मन नहीं किया। मैंने सोचा दिन में सो जाती हूँ घर में जाए, मैं सो गई और अभी 5 बजे उठ के चाय नाश्ता करके पी के कुछ बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह वॉश कर दिए, तो अब पैकिंग करना स्टार्ट किया। तो मुक्कू का तो बैग पैक हो गया, मुक्कू के सिर्फ शूज़ रह गए। शूज़ रह गए ना बेटा, निकाल के रख ले शूज़ भी, जब सबके शूज़ करूँगा तो तू शूज़ और निकाल ले, जब तक सबके बारी बारी उनको कर ले, मैं जब तक किचन का काम कर लेती हूँ। भैया से पूछ लेते हैं उसको कौन से जूते चाहिए, अभी रात को सो जाना। तो टोटल मतलब अभी सारी पैकिंग पड़ी हुई है भाई, बुरा हाल है। अभी नेल पेंट वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा है अप्लाई। हाँ और दवाइयाँ भी मुक्कू ने पैक की हैं, और ये जो नहाने धोने का जो सामान होता है हमारा बेटा, एक टॉवल भी रखने वो भी मुक्कू ने किया है हेल्प। और मैंने तो भाई जो कपड़े प्रेस हो रखे थे वो अलमारियों में लगाए हैं, जचाए हैं, जो सुबह के धुले हुए थे वो संगवाए हैं। सारा काम असल में तो एक होता है ना कि घर का जो सांग संगवाने का काम होता है वो भी नहीं छोड़ सकते हम, बिल्कुल भी ऐसे कैसे कैसे कर छोड़ते हैं। तो अभी करूँगी मेकअप का कुछ भी, मेकअप वैसे मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, फिर भी लिपस्टिक काजल बिंदी कुछ तो चाहिए ही होता है, वो लूँगी। और सूट वगैरह तो खैर लेके नहीं जाना होता है, जीन्स तो बेटा गेट खोल दो भैया आ गया, अब रिकी आएगा तो उसके भी कपड़े निकलवा देती हूँ ताकि उसको भी बैग में लगा दूँ। तो जो भी होता है जैसे जैसे होता है एकदम से जो प्लान है जैसा भी है करेंगे भाई, उसको ठान लिया है तो करना पड़ेगा भाई। पूरी पैकिंग लग लगा के मैंने जो है वो कंप्लीट कर ली थी, बीच का कुछ खाना दाना सब कुछ निमट गया था। ये शूज़ निकाल के रख दिए, कपड़े जूते लत्ते सब भर दिया है। विनोद जी भाई कॉल कर रहे थे अपने मतलब उसमें थे, और मैंने बैग वैग सब भर भरा के जो है भाई सुबह मॉर्निंग में पहनने के कपड़े। और अब टाइम था भाई सुबह 4:15 का, पता नहीं कितना 3:30 मुझे ध्यान नहीं, मैं दिखाऊंगी शायद से आप लोगों को। और भाई मैं उठ गई थी, उठ के अपना ब्रश व्रश करके ये सामान था जो रात को सारा पैक हुआ था, और दिखा रही थी कि भाई विनोद जी और जो मुक्कू है भाई वो भी उठ गए थे, और गीज़र जो है भाई वो थोड़ी देर के लिए ऑन किया था क्योंकि मॉर्निंग में रात को ताज़ा पानी भरा था तो पानी ठंडा था। ये बच्चे दोनों मेरे मतलब विनोद जी और मुक्कू उठ चुके हैं। माँ तो बोले, माँ ने बंद कर लिया ऊपर का, ठीक छोड़ जाएंगे अड़े। भाई सुबह 4 या 4:15 बजे के करीब जो भाई वो हमने अपनी जो भाई वो है यात्रा या ट्रिप जो भी कहें आप वो स्टार्ट कर दी है, और देखते हैं आगे कहाँ पहुँचते हैं। पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पे, और अब देखते हैं क्या करेंगे आगे, ठीक है। तो इस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड, फेस सुबह सुबह सो जाऊँगा भाई। तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड गुड मॉर्निंग जी, मिलेंगे फिर से अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। इंतज़ार करना भाई नेक्स्ट व्लॉग का।